देखा है कि पिछली बार अष्टावक्र के सूत्र पर आपने व्यात की थी कि जो ये मान्यता रखता है बंधन की वो बंधन में है, और जो ये मानता है कि वो मुक्त है वो मुक्त है, ये मान्यता पर आधारित जीवन है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में बंधन तो बड़े वास्तविक जान पड़ते हैं, और मुक्ति क्या केवल एक मान्यता है या वो एक कोई वास्तविक स्थिति है, अवस्था है? निश्चित ही हमारा पूरा जीवन मान्यताओं पर खड़ा है। अष्टावक्र यूं ही नहीं कह रहे हैं कि जो बंधन की मान्यता से भरा है वो बंधन में है और जो मुक्ति की मान्यता से भरा है वो मुक्त है, क्योंकि हमारे जीवन में जो परिणाम आते हैं वो हमारी मान्यताओं के कारण ही आते हैं। मुक्ति की जो परम अवस्था है एनलाइटनमेंट या बुद्धत्व, वो सारी मान्यताओं से बाहर है, सारी मान्यताओं के परे है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो सारी मान्यताओं से परे है, तब उस अवस्था को किसी भी व्यक्ति के लिए जाना जा सकना संभव नहीं, तब वो व्यक्ति बड़ा अबूझ हो जाता है, वो व्यक्ति बड़ा ही रहस्यमय हो जाता है। अगर हम उस दृष्टि से देखें तो मुक्ति की और एनलाइटनमेंट की भी सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई अपनी मान्यता के अनुसार इनलाइटेंड हो सकता है, बुद्ध हो सकता है, अकॉर्डिंग हिज ओन कॉन्सेप्ट, हिज आर हर ओन कॉन्सेप्ट, और हमारी मान्यता के हिसाब से वो नहीं हो सकता। सारी टकराहटें संसार में इसी बात की हैं। प्रसन्नता को अगर देखें, मुक्ति और एनलाइटनमेंट की बात हमारी समझ से अगर बाहर भी जा रही हो तो हम प्रसन्नता की बात देखें जो हर कोई जानता है। प्रसन्नता का एक तो मोटा मोटा तल है जो सभी को दिखाई देता है कि जो व्यक्ति प्रसन्न है वो प्रसन्न है, वो दिखाई देता है ऊपर से, लेकिन फिर भी प्रसन्नता के अपने अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। किसी मान्यता के आधार पर कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, कोई किसी दूसरी मान्यता के आधार पर प्रसन्न हो सकता है, उसका अंतिम परिणाम उसके पूरे होने से निकलेगा, उसके होने से प्रदर्शित होगा कि वो व्यक्ति शांत सहज प्रसन्न दिखाई देगा। मुक्त व्यक्ति या बोध को उपलब्ध व्यक्ति भी एक खास किस्म से अलग दिखाई देता है। वो बहुत सारी चीज़ों में हमें लिप्त नहीं दिखाई देगा, बहुत सारे बंधनों में बंधा हुआ नहीं दिखाई देगा, ये उसका मोटा मोटा स्वरूप होगा। वो न तो कोई बंधन तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, न किसी बंधन को छोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, बंधन नहीं होंगे बस, लेकिन बंधन नहीं है और वो मुक्त है, ये किसी विशेष धारणा और मान्यता पर खड़ा होगा। उसके लिए, हमारे लिए किसी भी धारणा पर खड़ा हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, ये रंग अलग अलग हो सकते हैं, बंधन के रंग भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं और मुक्ति के रंग भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं। अंतिम परिणाम हमेशा ध्यान रखें, मैं कह रहा हूँ मान्यताओं से बाहर है, लेकिन उसके पहले सारी मान्यताओं को जी लेना उचित है, या मान्यता के गहरे रूप को जी लेना उचित है। अब कोई व्यक्ति अपने जीवन में तमाम फैलाव के बावजूद भी बंधन में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उन पर उतनी पकड़ नहीं बनाता, वो चलने देता है, वो सारी चीज़ों में शामिल होता है। और किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत छोटा सा फैलाव हो और वो सारे के सारे बंधन निर्मित कर ले। जब बंधन की मान्यता होगी तो उसके कुछ रिजल्ट आएंगे, कुछ परिणाम आएंगे, और जब मुक्ति की मान्यता होगी तो उसके कुछ परिणाम आएंगे। वो
उस व्यवस्था से निकले हुए परिणाम होंगे वो एक अलग बात। अब जो बंधन में मान लेगा अपने को, वो सीमाओं में घिरेगा, वो स्कैर्सिटी अनुभव करेगा, वो कमी अनुभव करेगा, और जाहिर सी बात है फिर सारी चीज़ों में उसके ये कमी, ये सीमाएं दिखाई देने लगेंगी, उसके संबंधों में भी दिखाई देने लगेंगी, और उसके साथ दुख भी प्रवेश करेगा, क्योंकि सीमाओं और कमियों के साथ ही दुख आता है। जो व्यक्ति मुक्ति की मान्यता से भरा है वो सीमाओं से आगे जाएगा, वो अपने को असीम अनुभव करेगा, वो कोई कमी अनुभव नहीं करेगा, वो एबंडेंस अनुभव करेगा, प्रचुरता अनुभव करेगा। तो एक तरफ स्कैर्सिटी है, एक तरफ एबंडेंस है, प्रचुरता है, एक तरफ कमी है। कमी वाले व्यक्ति को लगेगा कि सब कुछ छीनना है, सब कुछ के ऊपर हमको काबिज होना है, हमको बचाना है, आक्रमण करना है, नहीं तो कैसे काम होगा, फिर कमी है। और जो इस मान्यता से भरा होगा कि प्रचुरता है, अस्तित्व में तो सब कुछ प्रचुरता से मिला हुआ है, एबंडेंस है, कुछ भी कम नहीं है, तो वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, झगड़ा नहीं करेगा, कहीं भी काबिज होने की कोशिश नहीं करेगा, वो खुला हुआ होगा, ग्रहणशील होगा, तो उसके जीवन में उसके संबंध हो, उसका प्रेम हो, उसकी व्यवस्थाएं हो, सब बदलेंगी, उनमें अलग ढंग आएगा। ज्ञान भी अगर हो तो मुक्त व्यक्ति के लिए ज्ञान पर भी कोई बंधन नहीं है, वो मानता है कि ज्ञान के अनेक रूप हो सकते हैं, ज्ञान के अनेक मत, अनेक धारणाएं हो सकती हैं, सबकी अपनी अपनी समझ हो सकती है, तो वो मुक्त है। लेकिन जो व्यक्ति बंधन में होगा उसके लिए ज्ञान भी एक बंधन के फ्रेम में होगा, इसीलिए अपना ज्ञान और दूसरे का ज्ञान कम और ज़्यादा होगा, सही और गलत होगा, उसके झगड़े होंगे और फिर उसके झंझट होंगे। अब ज्ञानी तो कोई व्यक्ति बहुत हो जाए, लेकिन वो ये मानने लग जाए कि मेरा ही ज्ञान ठीक है और दूसरे का गलत है, तो वो विवाद में उलझेगा या अपने ज्ञान का बचाव करेगा, दोनों स्थितियों में वो अपने लिए दुख आमंत्रित करेगा, परेशानियां आमंत्रित करेगा। ये बंधन की मान्यता से उपजा ज्ञान है। लेकिन अगर मुक्त व्यक्ति का ज्ञान है तो वो बहुत सारी संभावनाएं स्वीकार कर लेता है, उसका कोई उलझाव नहीं, सही गलत के उसके कोई झंझट नहीं, हैं तो मान्यताएं ही अभी, लेकिन उन मान्यताओं से ही बड़े अंतर पड़ रहे हैं जीवन में। हर मान्यता हम ऐसा समझें कि एक किस्म की व्यवस्था है और उससे फिर बहुत सारे और छोटी छोटी व्यवस्थाएं निकल पड़ती हैं, बाई प्रोडक्ट निकल पड़ते हैं। तो अगर हमको लगता है कि मान्यता कोई हल्की या मामूली चीज है तो ऐसा नहीं है, मान्यताएं बड़ा भारी रोल प्ले करती हैं। मुक्ति की मान्यता अगर व्यक्ति के अंदर है तो वो क्या परिणाम लाएगी, अगर हम सोचें मुक्ति की मान्यता ही व्यक्ति को ऊपर उठा देती है, उसको सारे बंधनों और सीमाओं से ऊपर उठा देती है, और यही उसके लिए शायद सारे रास्ते खोलने का एक उपाय बन जाता है, क्योंकि अंतिम रूप में तो वो वैसा ही है। जैसे कुछ मान्यताएं ऐसी भी हो सकती हैं जो हमने ही रची हैं, हमारी कल्पना से ही उपजी हैं, वो भी परिणाम लाएंगी, और कुछ मान्यताएं ऐसी भी हो सकती हैं जो वास्तविकता है, हम अभी नहीं जानते लेकिन हम मान लेते हैं, उससे जीवन सरल हो जाता है। जैसे विज्ञान में भी तो हम बहुत सारी मान्यताओं को लेकर चलते हैं, गणित में हम मान्यताओं को लेकर चलते हैं। अभी अगर हम विज्ञान के बारे में भी पूछें जो हमारे सामान्य जीवन में उपयोग होने वाली विज्ञान की चीज़ें हैं उनके बारे में भी, तो हम सचमुच में तो कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बात हमको कहीं से घूमती हुई उड़ती हुई पता चल गई है कि ऐसा होता है, तो मान्यता है, मान्यता है, उसको हम उपयोग में लाते हैं, उससे काम हो जाते हैं, उससे परिणाम हो जाते हैं। अब विज्ञान के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हर व्यक्ति उसके पूरे ढंग ढांचे को नहीं जानता कि क्या होता होगा इसमें। अब बिजली ही है, एक स्विच ऑन करने से सारे काम होते हैं, लेकिन बिजली का पूरा सिस्टम
और स्विच ऑन करने में भी क्या होता है, इस सबको अगर हम बहुत वैज्ञानिक ढंग से जांचने की कोशिश करें तो बड़ा कठिन हो जाएगा आम व्यक्ति के लिए समझना, और वो शायद अपना इरादा भी छोड़ सकता है कि नहीं भाई हमसे तो स्विच ऑन नहीं होगा, बड़ा कठिन मामला है अगर सारी चीज़ समझा दी जाए। लेकिन अब हम जानते हैं कि स्विच ऑन ऑफ करने से जो भी चीज़ें हैं वो ऑन ऑफ हो जाती हैं, तो ये मान्यता है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में आ गई है, लेकिन मान्यता के पीछे एक सच्चाई है तो उसके परिणाम आ जाते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारी अवास्तविक चीज़ें भी अपनी मान्यता से पैदा कर लेते हैं और उनको जीने लगते हैं तो उनके भी परिणाम आ जाते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे स्विचेज हैं, अलग अलग मान्यताओं के स्विचेज हैं, उनको वो 24 घंटे में ऑन ऑफ करता रहता है और उसी से उसके जीवन में परिणाम आते रहते हैं। अब आप देखें कि एक व्यक्ति बदमाश हो जाता है, गुंडा हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, ये उसकी अपनी मान्यता है, उसने माना कि मैं ऐसा ही हूँ। और एक व्यक्ति साधु हो जाता है, एक व्यक्ति संत हो जाता है, वो उसकी अपनी मान्यता है, उसने माना कि मैं ऐसा ही हूँ। दोनों खड़े मान्यताओं पर ही हैं, और समाज में हम देखें दोनों की मान्यताएं किसी भी क्षण बदल सकती हैं, बदलती हुई दिखती भी हैं समाज में हमको। कभी कभी जो व्यक्ति एकदम से साधु था अचानक उसकी मान्यता बदले और वो आतंकवादी भी हो सकता है, और कोई व्यक्ति आतंकवादी है उसकी मान्यता बदले वो साधु भी हो सकता है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, क्योंकि वो एक मान्यता में जी रहा था और एक व्यक्ति अलग मान्यता में जी रहा था। तो वास्तविकता में साधुता और आतंक की कोई वास्तविक स्थिति नहीं है, ओरिजिनल स्टेट नहीं है, उसको बदला जा सकता है। अब क्यों बदलें और क्यों ना बदलें ये एक अलग विषय है। हमको देखना ये पड़ेगा कि हम अपने जीवन में क्या चुनाव करते हैं। हम अपने जीवन में शांति का चुनाव करना चाहते हैं, प्रसन्नता का चुनाव करना चाहते हैं, तो हमें फिर उस तरह की मान्यताओं का चुनाव करना पड़ेगा। अगर हम वो मान्यताएँ चुनेंगे जो विध्वंस लाती हैं, अराजकता लाती हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की शांति और प्रसन्नता भी कमज़ोर पड़ेगी, बिखरेगी। तो अगर हम वो चुनाव कर लेते हैं तो हमारे जीवन में वैसा रहेगा। सही गलत इसमें कुछ नहीं है, मान्यता को बदल कर किसी भी क्षण हम उसके पार जा सकते हैं। और फिर जो इस सबको देख लेता है, मान्यताओं के सारे खेल को, उसी को हम बुद्ध कहते हैं, उसी को हम एक जागृत जीवन मुक्त व्यक्ति कहते हैं, एनलाइटेंड व्यक्ति हम उसी को कहते हैं, जो मान्यताओं के खेल को जानता है। लेकिन वो मान्यताओं के साथ अपने प्रयोग करेगा, हमको क्या चाहिए हम उस हिसाब से चुनाव करेंगे। तो इसलिए उन पर काम करें, उनको सोचें और देखें कि हम कैसी कैसी मान्यताओं को लेकर चलते रहे हैं, हम किन मान्यताओं को बदल कर अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, क्या परिवर्तन ला सकते हैं, और सचमुच में हमको जीवन में क्या चाहिए। बंधन और मुक्ति की बात कहकर अष्टावक्र ने फंडामेंटल बात कह दी, बाकी सारी बातें इनका बाई प्रोडक्ट होंगी। क्योंकि वो कहते हैं बंधन का अर्थ सीमाओं से अपने को भर लेना और मुक्ति का अर्थ सारी सीमाओं के पार चले जाना, असीम हो जाना। तो फंडामेंटल मूलभूत रूप से तो यही दो चुनाव हैं, फिर इन चुनावों पर बहुत सारे और चुनाव खड़े हैं, उनका हमें ऑब्जर्वेशन और अवलोकन करने से हमारी यात्रा आगे चलती है।